गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे केमिस्ट्री ऑफ लैंथेनाइड एलिमेंट में जनरल प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, ऑक्सीडेशन स्टेट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। टुडेज टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल का निर्माण। संकुल किसे कहते हैं? जिसमें मेटल आयन लिगेंड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। हरदम लिगेंड किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। मेटल आयन किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। हरदम मेटल और लिगेंड, लिगेंड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? तुम्हारा ल्यूइस बेस। ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो क्या कहलाया जाएगा? ल्यूइस एसिड। आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्मेशन करते हैं। जितने भी लैंथेनाइड्स हैं दे कैन शो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। प्लस थ्री हाई चार्ज होने के कारण भी इनका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा होने के कारण इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। क्या रीजन? ड्यू टू हाई चार्ज एंड हाई साइज या ज्यादा आवेश तथा ज्यादा त्रिज्या होने के कारण इनमें संकुल बनाने की टेंडेंसी या निर्माण कम होता है। जितने भी लैंथेनाइड्स के थ्री पॉजिटिव आयन हैं वो यदि लिगेंड के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? संकुल का निर्माण करते हैं। अब लिगेंड हमें किसे कहते हैं? जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है या जिनके पास डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं। अब ऐसा लिगेंड लिया हमने जिसके पास ऑक्सीजन एक डोनर एटम की तरह प्रेजेंट है और किलेटिंग, किलेटिंग मतलब आपस में मिलकर वो किलेट या रिंग का निर्माण कर रही है। कौन सा फर्स्ट लिगेंड लिया हमने? EDTA। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EDTA? इथाइलीन डायमीन एसिटिक एसिड। इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। क्या फॉर्मूला होगा इसका? इथाइलीन डायमीन का CH2 इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। इट इज ए हेक्साडेंटेट लिगेंड क्योंकि इसके पास छह डोनर एटम है, 6, 2 तो नाइट्रोजन 4 ऑक्सीजन। यदि ये किसी मेटल आयन के साथ जुड़ेगा तो रिंग का निर्माण करेगा। इसी तरह ऑक्सैलिक एसिड, ये भी हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। सिट्रिक एसिड भी हमारा बाइडेंटेट लिगेंड है। एसिटाइल एसीटोन, इसको बोलते हैं हम ACAC। इन सबके साथ भी मेटल आयन क्या बनाता है? रिंग फॉर्मेशन वाला कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। दूसरा हमने लिगेंड कौन सा लिया जिसमें नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह प्रेजेंट है? जैसे फर्स्ट एग्जांपल इज इथाइलीन डायमीन। क्या फॉर्मूला है इसका? CH2NH2। इट इज आल्सो ए बाइडेंटेट लिगेंड। थायोसाइनेटो या इसको बोलेंगे हम थायोसाइनेटो, इसको बोलेंगे आइसोथायोसाइनेटो। इसका नाम है थायोसाइनेटो, इसको क्या बोलेंगे हम? आइसोथायोसाइनेटो। बोथ आर एम्फीडेंटेट लिगेंड। क्या बोलते हैं हम इसको? एम्फीडेंटेट लिगेंड। क्यों बोलते हैं हम इसको एम्फीडेंटेट लिगेंड? क्योंकि इसके अंदर दो डोनर एटम हैं लेकिन मेटल आयन से केवल एक टाइम एक ही डोनर एटम जुड़ पाता है, उसको बोलते हैं हम उभयदंतुक लिगेंड। थर्ड, जितने भी लैंथेनाइड्स के प्लस थ्री आयन्स हैं वो लिगेंड के साथ बॉन्डिंग करते हैं। वो बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है? लिगेंड के पास जो डोनर एटम होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर मेटल और लिगेंड के बीच की बंधन डिपेंड करता है। जितने भी मोनोडेंटेट लिगेंड हैं उसमें सबसे ज्यादा क्या होगा? क्लोराइड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से बॉन्डिंग सबसे ज्यादा कौन सा करेगा? तुम्हारा क्लोराइड, फिर नाइट्रेट, फिर H2O, फिर OH नेगेटिव और सबसे कम फ्लोराइड आयन। अब हम जब भी कॉम्प्लेक्स आयन के बारे में पढ़ते हैं जितने भी लैंथेनाइड प्लस थ्री के आयन्स हैं यदि लिगेंड में हमने ऑक्सीजन किलेटिंग लिगेंड को यूज किया
तो जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो कॉम्प्लेक्स हमारा एक्वस सॉल्यूशन में ही बनता है। रीजन क्यों एक्वस सॉल्यूशन में बनता है, जब कोई मेटल आयन या लैंथेनाइड प्लस थ्री आयन लिगेंड जिसमें ऑक्सीजन एज ए किलेटिंग एजेंट या डोनर एटम की तरह प्रेजेंट होगा तो उसमें उसके क्या बन जाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बनाएगा वो उसके साथ, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या क्या बनाएगा उसके साथ, किलेट रिंग। जो भी इसकी किलेट रिंग होगी वो किसके द्वारा स्टेबलाइज, इट इज नॉट रिप्लेस बाय OH एंड H2O। जो भी इसकी क्लेट रिंग होगी वो OH नेगेटिव व H2O से क्या नहीं हो सकती, रिप्लेस नहीं हो सकती है। जबकि जो लेंथनाइड्स आयन प्लस थ्री आयन लिगेंड जिसमें हमें नाइट्रोजन एज ए डोनर एटम प्रेजेंट होता है, ऐसे कॉम्प्लेक्स हमें नॉन एक्वस सॉल्यूशन में ही बनते हैं, जिस लेंथनाइड्स में। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी ये मेटल आयन होगा वो किससे जुड़ा हुआ होगा, या तो NCS से जुड़ा हुआ होगा, या मेटल आयन किससे जुड़ा होगा, इथाइलिन डायमीन में। उसमें जो भी कॉम्प्लेक्स आयन बनेगा वो तुम्हारा किसमें बनेगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में। जितने भी तुम्हारे ये कॉम्प्लेक्स आयन हैं इनकी मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर, समन्वय संख्या क्या होती है, 9। जिसमें भी वो मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होगी वो कौन से डेंटेंट लिगेंट होते हैं तुम्हारे, मोनोडेंटेंट लिगेंट। मोनोडेंटेंट लिगेंट किसे कहते हैं, जिसमें एक डोनर एटम होता है उसे हम मोनोडेंटेंट लिगेंट कहते हैं। समन्वय संख्या किसे कहते हैं या कोऑर्डिनेशन नंबर, जितने जो मेटल आयन जितने लिगेंड के द्वारा घिरा हुआ रहेगा वो उसकी समन्वय संख्या होगी। तो मोनोडेंटेंट लिगेंड के साथ उसकी मैक्सिमम समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है, 9। जबकि जो भी तुम्हारा बाईडेंटेंट लिगेंड है उसके साथ उसकी समन्वय संख्या 6, 7 या 8 हो सकती है। जो भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होती है लैंथेनाइड की, तीन ऑक्सीडेशन है, एक होती है +4, एक होती है +3, एक होती है +2। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लैंथेनाइड इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी लैंथेनाइड के संकुल हैं यदि वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, दो हम जानते हैं सबसे कॉमन, दैट इज सैरिक अमोनियम नाइट्रेट एंड सैरिक अमोनियम सल्फेट। इनमें जो भी तुम्हारा लेंथनाइड्स हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई जाएगी, क्या होगी इसकी, +4 होगी। ऐसे सोडियम हेक्साफ्लोरोप्राइजोडोनियम क्या होगी, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है F6, यहाँ है NO2, क्या हो गई इसकी भी +4, इसमें भी इसकी क्या है +4, इसमें भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4, इसमें भी +4, इसको बोलते हैं नाइड्रोजिनियम +4 +4। सारे कॉम्प्लेक्स वो ही हैं जिसमें लैंथेनाइड्स इज प्रेजेंट इन ए +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। या तो इनकी समन्वय संख्या क्या है, इसमें इसमें है 6, इसमें 7, इसमें 8। इसमें क्या है इनकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर या तो 6 होगी या 4 होगी। ऐसे ही जितने भी कॉम्प्लेक्सेस हैं लैंथेनाइड के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। बहुत ज्यादा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में लैंथेनाइड पाए जाते हैं। यदि वाटर एज ए लिगेंड लैंथेनाइड्स में है तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 या 9 होगी। यदि ये है सैरिक पेंटा, क्या बनेगी इसमें सीरियम की, 5। क्या बन गई इसमें सीरियम, +3। इसमें भी क्या है इसकी, +3। तो दोनों कॉम्प्लेक्सेस में सीरियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या पाई गई, +3 +3, ये सबसे स्टेबल है। कॉम्प्लेक्स ऑफ लैंथेनाइड इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लैंथेनाइड्स के इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस पाए जाते हैं, दे आर रेयर। बहुत कम मात्रा में लैंथेनाइड के +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई भी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। ज्यादातर कॉम्प्लेक्स आयन किस फॉर्म में पाए जाएंगे, +3 में। यदि +4 में होंगे तो उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो सकती है, 6 7 8। कोऑर्डिनेशन नंबर हम जानते हैं किसे कहते हैं, जितने लिगेंड मेटल आयन से जुड़ा हुआ रहता है वो उसकी क्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर।